बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आज हम एक स्नैक बनाने जा रहे हैं जिसमें हम बनाएंगे ब्रेड फिंगर। ब्रेड फिंगर हम बनाएंगे, ये ब्रेड की जो साइड्स होती हैं बची हुई, जो हम बच्चों को अक्सर सैंडविच वगैरह बनाकर देते हैं तो बच्चे ये खाना पसंद नहीं करते साइड, तो हम इनको काट कर अलग कर लेते हैं। ये देखिए, तो हम इसी से एक स्नैक बनाएंगे। इसके लिए हमने लिए है यहाँ पर एक कटोरी बेसन, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, एक कटोरी हरा धनिया, पानी और चाट मसाला। और बेसन में मिलाने के लिए हमें चाहिए 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 2-3 पिंच खाने का सोडा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से नमक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका बैटर तैयार करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम ये एक कटोरी बेसन डालेंगे, कॉर्नफ्लोर और ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। और हरा धनिया भी डाल लेंगे। जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक अच्छा सा थिक बैटर तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बच्चे इस तरीके से ये खा भी लेते हैं। ये ब्रेड की साइड वेस्ट होने से भी बच जाती है और बच्चों को पता भी नहीं लगता, बच्चे मजे मजे में सॉस के साथ खूब खा लेते हैं, लेकिन सैंडविच वगैरह में खाना पसंद नहीं करते। अभी हमारा ये बैटर थोड़ा थिक है, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। मैं जब भी फ्राइड चीज बनाती हूँ तो उसमें कलौंजी और अजवाइन जरूर डालती हूँ मैं। जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है वो गैस की प्रॉब्लम में फ्राइड चीजें नहीं खा पाते हैं, उनको नुकसान देती है, तो अगर हम फ्राइड चीज में कलौंजी और अजवाइन डालें तो वो थोड़ा बहुत आराम से खा लेते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता। देखिए हमारा बैटर अच्छे से ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे, इतने हम अपना तेल गरम कर लेते हैं। अब देखिए हमारा ऑयल भी गरम हो चुका है और ये बेसन भी हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम 3-3, 4-4 ये पीस लेके इसमें ऐसे डिप कर देंगे और स्पून की मदद से खूब अच्छे से इनको इसमें लपेट कर ये एक एक पीस निकाल कर ये हम ऑयल में डालते जाएंगे। आपको हमारे पीछे से आज काफी आवाजें सुनाई दे रही होंगी, दरअसल हमारे पड़ोस में शादी है तो वहां काफी शोरगुल हो रहा है। देखिए इस तरीके से हम ये डालते जाएंगे। हम जो हमारे फ्राई हो चुके हैं हम उनको इसे निकाल लेंगे। एक प्लेट में पेपर रख के, किचन टॉवल रख के उसके ऊपर ऐसे निकाल लेंगे और हम इसके ऊपर जैसे ही हम ये गरम निकालेंगे तो फौरन ही हम हल्का सा चाट मसाला इनके ऊपर डाल देंगे। अब देखिए देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं ये, तो खाने में तो और भी ज़्यादा
अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से हम सारे फ्राई कर लेंगे। देखिए हमने ये सब फ्राई कर लिए हैं। इसका ऑयल अच्छे से निकाल दीजिएगा, इससे इस तरीके से करके ऐसे थोड़ा सा अपने स्पून को ऐसे टेढ़ा करके तो ये सारा ऑयल इस तरीके से निकल जाता है। लीजिए झटपट ब्रेड फिंगर्स बनकर तैयार हैं। आप इनको शाम की चाय के साथ सर्व कीजिए, यकीनन आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, ये आपको भी पसंद आएंगे। आप इनको ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियो पहले देख पाएँ। और दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।